एक व्यक्ति एक 4 साल की बच्ची के पास जाता है, उसको खाने की चीज़ देता है, उसे मिठाई देता है, उसको बहलाता है, फुसलाता है, फिर उसको अपने साथ लेकर जाता है, फिर उसके साथ अपना मुंह काला करता है, और इतना ही नहीं बल्कि उसको सीरियस इंजरी देता है, उसको चोट मारता है, उसको दुख पहुंचाता है। फिर जिसके बाद उस बच्ची को उठाकर उसके घर के दरवाजे पर भी फेंक कर चला जाता है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर यह व्यक्ति कौन था और इसने ऐसा क्यों किया। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर दुनिया में कैसी कैसी मानसिकता के लोग रहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ यहाया खान सोज। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहाँ पर एक परिवार रहता है, एक दंपति रहता है। ये व्यक्ति जो है मजदूरी करता था और इसके घर में इसकी पत्नी और बच्चे रहते थे और एक 4 साल की बच्ची भी रहा करती थी। ये दंपति अपनी पत्नी को लेकर बाज़ार चला जाता है। बाज़ार जाने के बाद वहाँ पर ख़रीदारी करता है। जैसे ही वहाँ से लौट कर आता है तो वो देखता है कि उसकी बच्ची घर पर नहीं है। बस इतना देखना था कि माँ बाप के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि आखिर हमारी बच्ची कहाँ चली गई। फिर जहाँ जहाँ वो खेलती है, जहाँ उसके खेलने के ठिकाने थे, वहाँ पर माँ बाप जाते हैं, उसको ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। फिर जिसके बाद वो पूरे तरीके से प्रयास करते हैं। इसी तरीके से 4 घंटे गुजर जाते हैं और इनकी चिंता इसी तरीके से ही बढ़ती रहती है, लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। फिर थोड़ी देर बाद ही जैसे ही ये घर के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बच्ची बहुत ही बुरी अवस्था में दरवाजे के पास पड़ी हुई है और बेहोश है। फिर जिसके बाद माँ बाप भागे भागे इस बच्ची के पास जाते हैं और बच्ची के पास जाने के बाद उसको ही पास जैसे ही देखते हैं तो वो देखते हैं कि बच्ची को खून निकल रहा है और वो खून में लथपथ है। फिर जिसके बाद वो और गौर से देखते हैं तो वो देखते हैं कि बच्ची के गुप्तांग में किसी ने कोई नोकीली चीज़ मारी है। फिर जिस पर ये पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और ये बाप अपनी बच्ची को उठाता है, सीधा भागे भागा अपने क्षेत्र के थाने में जाता है और जाने के बाद वहाँ पर सारी घटना सुनाता है। पुलिस उसको बिठाती है और उससे उसकी पूरी बात को समझती है। फिर जिसके बाद उस बच्ची को मेडिकल के लिए भेज देती है क्योंकि उनको शक होता है कि इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। मेडिकल के लिए जैसे भेज देती है तो पुलिस बस इंतज़ार कर रही होती है कि किसी तरीके से इस बच्ची का पता चले कि इस बच्ची के साथ आखिर किसने किया है, और पूरी तरीके से जांच में जुट जाती है। फिर थोड़ा बच्ची को जैसे ही होश आता है तो बच्ची अपने आप बीती SHO को बताती है। वो बताती है कि मेरे जिनको मैं चाचा कहती हूँ, घर पर कोई नहीं था, वो आए थे, उन्होंने मुझे मिठाई दी थी खाने के लिए। फिर जिसके बाद वो मुझे अपने साथ लेकर चले गए और साथ ले जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया, और इतना ही नहीं एक नोकीली लकड़ी लेकर उन्होंने मेरे गुप्तांग पर मारी। बस इतना सुनना था कि SHO को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और वो फौरन ही इस मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं और आरोपी की तलाश में जुट जाते हैं। पुलिस पूरे तरीके से प्रयास करती है कि आरोपी हाथ आ जाए। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी हाथ लग जाता है, फिर जिसके बाद पुलिस आरोपी को जेल भेज देती है। और वहीं बच्ची की उस वक्त में हालत जो है दोस्तों, वो बताई जा रही थी थोड़ी क्रिटिकल है, नाजुक हालत है। अब इस घटना पर, पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों एक बात मुझे याद आ गई, जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो वो मेरठ रहने लगी थी। ये वाकया मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, इसके पीछे एक मैसेज भी है। तो काफ़ी टाइम बाद जब मैं अपनी सिस्टर से मिलने गया तो मेरे जीजू मिले, मैंने उनसे बातचीत की, और मेरे भांजे थे छोटे छोटे, 2 भांजे, मैंने उनको गोद में लिया, मुझे उन पर प्यार आ रहा था। और मैं उनको गोद में लेने के बाद करीब में ही एक दुकान थी, वहाँ पर लेकर चला गया और मैंने कहा बेटा जो आपको लेना है, चॉकलेट्स लेनी है या फिर चिप्स लेने हैं, जो भी कुछ आपको लेना है वो ले लो, मैं आपको दिला रहा हूँ। फिर जिसके बाद मैंने अपने भांजों से कहा कि बेटा आप चीज़ ले लो, लेकिन उन्होंने कहा कि मामा जी, पापा जी ने सख्ती से मना किया है कि हम किसी के भी हाथों से चीज़ नहीं लेंगे। मैंने कहा बेटा मैं तो आपका मामा हूँ, आपको तो मेरे से ले लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाजी हम नहीं लेंगे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, उनके चेहरे को देखा तो वो डरे हुए थे, तो मुझे जब अजीब लगा, मैंने बहुत उनसे इसरार किया, मैंने बहुत कहा ले लो, लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ हाथ में नहीं थामी। फिर जिसके बाद मैं अपनी सिस्टर के पास गया और ये बात मैंने कही कि मैंने कहा आपने बच्चों को बहुत डरा कर रख रखा है,
और उनके चेहरे से अलग ही डर महसूस हो रहा था। और आपने, मेरा ख्याल है, उनको मारती हो पीटती हो, और जीजू भी मारते हैं पीटते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं मामा जी चीज़ नहीं लूँगा, क्या वजह है? तो मैंने इस बात को जीजू से भी कहा, तो जीजू मुझसे बोले कि मैंने जो कर रखा है शायद सही कर रखा है, आया कोई बच्चों को लालच नहीं देगा। तो उस वक्त में मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आज मैं समझता हूँ जब चारों तरफ अपनी घटनाएँ देखते हैं तो कहीं ना कहीं जीजू ने अपने बच्चों के साथ सही किया था। आप पूरी इस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इसी के साथ मैं याया खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद।